हेलो स्टूडेंट, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल लाइन मेथड के अंतर्गत जंक्शंस पर होने वाले डिडक्शंस के बारे में। जब किसी बिल्डिंग का हम जब एस्टीमेट कर रहे हैं और उस एस्टीमेट करने के लिए हमने सेंट्रल लाइन मेथड हमने सेलेक्ट किया है, और सेंट्रल लाइन मेथड सेलेक्ट करने के बाद जब उस बिल्डिंग की हम सेंट्रल लाइन निकाल लेते हैं, तो जब हम सेंट्रल लाइन निकाल देते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हमें सिचुएशंस देखने को मिलती है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा सिंगल रूम सेट है, यहाँ डबल रूम सेट है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर फोर रूम सेट है। तो ऐसा अलग अलग टाइप के हमें प्रॉब्लम्स यहां पर हमें दिखाई दे रही है। तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स में अलग अलग टाइप के हमें जंक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें कि आपको ये एल जंक्शन, इसमें हम बात करेंगे एल जंक्शन के बारे में, इसमें बात करेंगे हम यहां पर आपको टी जंक्शन के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे क्रॉस जंक्शन के बारे में। यानी कि हम देखते हैं कि अलग अलग सभी बिल्डिंग्स के जब हम सेंट्रल लाइन निकालना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, तो जब हम बिल्डिंग की सेंट्रल लाइन याद कर लेते हैं, जब हम पता कर लेते हैं, तो बिल्डिंग की टोटल सेंट्रल लाइन पता करने के बाद अलग अलग जंक्शंस पर हम कितना डिडक्शन अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि हमारा एल जंक्शन या टी जंक्शन या क्रॉस जंक्शन के केस में हमें डिडक्शन कितना अप्लाई करना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे भी और बताएंगे कि हमें कितना डिडक्शन अगर कर रहे हैं तो आखिर हम कर क्यों रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले डिडक्शन एट जंक्शन इन केस ऑफ सेंट्रल लाइन मेथड। सपोज कीजिए प्रॉब्लम नंबर वन हमने यहां पर ली है एल जंक्शन। एल जंक्शन में हमने क्या देखेंगे, हम यहां पर हम पढ़ेंगे कि एल जंक्शन के केस में नो डिडक्शन विल बी अप्लाई इन केस ऑफ एल जंक्शन। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि सेंटर लाइन में जब हम सेंटर लाइन निकालेंगे इस केस में हम कोई भी डिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा क्यों समझते हैं, देखें अगर इस बिल्डिंग की हम टोटल सेंट्रल लाइन की अगर हम बात करें, इसके हम टोटल सेंट्रल लाइन निकाल कर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखें टोटल सेंट्रल लाइन अगर इसके हम निकालते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल लाइन मेथड के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हर दीवार के सेंटर टू सेंटर, यानी हर दीवार या फुटिंग जिस पर भी आप वर्क कर रहे हैं, वो फुटिंग हो सकती है या वो हमारा कॉन्क्रीट फुटिंग किसी भी टाइप की फुटिंग हो सकती है या फिर हमारी वो दीवार हो सकती है। तो यहाँ पर हमने एक वॉल बनाई हुई है, एक कमरा बनाया हुआ है, यहाँ पर एक सिंगल रूम सेट है जिसका इंटरनल डायमेंशन 5x4 meter है। यानी कि into in dimension हमें दे रखा है इस रूम का, इस सिंगल रूम सेट का, कि 5x4 meters का इंटरनल डायमेंशन है, और इसके चारों ओर हमारी क्या है 30 centimeter की एक दीवार है। 30 सेंटीमीटर की दीवार के केस में हम देखेंगे टोटल सेंटर लाइन हमारी कितनी आएगी, और इस सेंटर लाइन में हम कोई भी वर्क क्यों ना करें, इस केस में पूरी बिल्डिंग के अंदर जो भी मटेरियल की क्वांटिटी निकाली जाएगी टोटल सेंटर लाइन हमारी सेम ही रहेगी। चाहे हम फुटिंग पर वर्क कर रहे हो, चाहे हम वॉल्स पर वर्क कर रहे हो, चाहे हम सब स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हो, चाहे हम सुपर स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हो, लेकिन कंडीशन ये है कि फुटिंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो चले करते हैं स्टार्ट। देखें अगर हमारा इस केस में अगर हम बात करते हैं, इस केस में अगर हम बात करें, यहां पर आपको L जंक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं यहां पर ये L जंक्शन आपको नजर आ रहा है, जगह जगह यहां पर हमें L जंक्शन दिखाई दे रहा है। तो L जंक्शन के केस में यहां पर हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। सेंटर लाइन देखते हैं कैसे आएगी इसकी। सेंटर लाइन का मतलब क्या है, इस सेंटर से इस सेंटर तक। यानी हम क्या करना चाहते हैं, हम इस सेंटर से इस सेंटर तक जाने के लिए हमने क्या किया, इसका जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को हमने यहां पर इस तरीके से, आप इस कॉर्नर को आप ऐसे इस शेप में ले, यहां पर एक डॉटेड लाइन बना दें जिसमें आपको सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर आपको नजर आए। तो हमने क्या किया, यहां पर एक कॉर्नर कॉर्नर हमने लिया। अब हमें चलना कहां है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, यहां तक हमें आना है। तो यहां से आने में हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, यानी टोटल सेंटर लाइन निकाल रहे हैं हम इसकी। तो सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे, देखें ये हमारा 5 मीटर हो गया, कहां से लेकर कहां तक, ये हमारा हो गया 5 मीटर यहां से लेकर यहां तक, 4 मीटर हो गया हमारा यहां से लेकर यहां तक, हमारी इन टू इन डायमेंशन हमें दे रखी है। अब ध्यान दें यहां से 30 सेंटीमीटर की वॉल है, और ये भी हमारे 30 सेंटीमीटर, चारों दीवार कितनी है 30 सेंटीमीटर की है। तो 30 सेंटीमीटर की बॉल में ये हमारा अगर ये टोटल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर अगर है तो ये हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा 0.15 meter। यानी कि 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं 0.30 meter, तो 0.30 meter का आधा, ये 0.30 meter है तो हमें तो लेना है सिर्फ हाफ कंसिडर करना है। तो यहां से लेकर हमें यहां तक अगर हमें बात करें तो 0.15 हो गया, तो आप कह सकते हैं यहां पर हमारा कितना है 0.15
प्लस यहां से लेके यहां तक हो गया। अब यहां से लेके यहां तक हमारा कितना है 5 मीटर, और प्लस अगर आगे बात करें यहां से यहां तक आ गए। अब यहां से लेके यहां तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये भी हमारे कितने की दीवार है 30 सेंटीमीटर यानी 0.30 मीटर, और 0.30 मीटर का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 0.15 मीटर यहां पर आ जाएगा। तो अब देखें यहां पर हमारी टोटल कितनी आ गई 5.30 मीटर हमारी ये यहां से यहां तक दीवार आ गई। जितनी यहां से यहां तक होगी उतनी ही हमारी यहां से यहां तक भी होगी, तो मल्टीप्लाई बाई कर लेते हैं हम यहां पर 2 प्लस। आगे इसी तरह बात करें इसके बारे में, यानी हमें कहां चलना है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, यानी इस सेंटर से इस सेंटर तक। हम इस सेंटर से इस सेंटर तक कैलकुलेट कर चुके हैं, इस सेंटर से इस सेंटर तक कैलकुलेट कर लिया हमने, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं यहां पर दीवार की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब सेंटर से लेकर यहां तक कितनी आएगी 0.15 प्लस यहां पर बात करेंगे यहां से इनटू इन डायमेंशन कितनी है 4 मीटर प्लस यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी 0.15 मीटर हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो गई ये जोड़ देंगे तो हमारी हो जाएगी 4.30 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2। क्योंकि मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया क्योंकि ऐसी ही दीवार हमारी लेफ्ट साइड में भी यहां पर हमें दिखाई दे रही है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 10.60 प्लस 8.60 और मल्टीप्लाई कर देंगे जोड़ देंगे तो हो जाएगी 19.20 मीटर। यानी इस बिल्डिंग की हमारी जो सेंटर लाइन निकल के आई वो आई 19.20 मीटर। अब आपकी अगर फुटिंग सिमेट्रिक है तो पूरी बिल्डिंग के लिए, या आप सिर्फ इस फुटिंग की बात करना चाहें तो इस फुटिंग के लिए हमारी सेंटर लाइन में जब मेटेरियल की क्वांटिटी निकालेंगे तो यही यूज करेंगे, इसमें कोई डिडक्शन अप्लाई करना नहीं होगा। अब आपको समझाते हैं कि डिडक्शन अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखें जब हमने इस दीवार को लिया, इस दीवार पर देखें इस सेंटर से इस सेंटर तब हम गए, ध्यान से समझेंगे इस बात को, तो हमने पूरी दीवार जो मैं यहां पर सेड पोर्शन बना रहा हूं ये सेड पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये सेड पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया पूरा। जब हम आए इस दीवार में इस किनारे से यानी इस सेंटर से इस सेंटर तक आए तब हमने ये वाला पूरा पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। ये वाला आप देख सकते हैं हमने कहां से कहां तक कैलकुलेशन कर चुके हैं, यहां से लेके यहां तक बात कर चुके हैं। हमें बात करनी है इस एल जंक्शन पर, तो आप देख रहे हैं यहां पर एक ब्लैक वाला सेड पोर्शन और एक हमारा रेड वाला सेड पोर्शन यहां पर एक एल जंक्शन का निर्माण करता है, बनाता है। अब हम बात करें देखें आप देखें इसमें इस हिस्से के बारे में देखें जो इस पर कोई हैचिंग नहीं हुई है, कोई भी सेट नहीं बनाया मैंने, तो वो ये वाला जो हिस्सा है वो तो हमारा एक बार भी कैलकुलेट नहीं हुआ इस केस में, जबकि इतना हिस्सा जो है ये वाला पोर्शन जो है वो इस दीवार के लिए भी कैलकुलेट हुआ, ब्लैक वाला, ब्लैक हमने मार्कर से इसको सेट किया इस वाले पोर्शन को, और यही पोर्शन हमारा दोबारा से कैलकुलेट किया गया इस केस में। यानी कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस हिस्से और इस हिस्से की बात करें, अगर इस हिस्से और इस हिस्से की अगर बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि ये एक बार भी कैलकुलेट नहीं हो रहा और ये दो बार कैलकुलेट हो जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन हमारी ऐसे ही चलने दो, ये वाला हिस्सा दो बार कैलकुलेट हो रहा है, ये एक बार भी कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा एक बार के लिए। तो इस तरह से जब भी हमें एल जंक्शन दिखेगा यानी कि दीवार का कॉर्नर हमें दिखाई देगा, जैसे कि यहां पर एल जंक्शन है, यहां एल जंक्शन है, यहां एल जंक्शन, यहां एल जंक्शन, इसी तरह से यहां एल जंक्शन, चार जगह यहां पर भी एल जंक्शन है, तो इन एल जंक्शन पर हमें किसी भी टाइप की डिडक्शन सोचने की जरूरत नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि नो डिडक्शन विल बी अप्लाई इन केस ऑफ एल जंक्शन, समझ में आ गया होगा कि हम एल जंक्शन पर डिडक्शन क्यों अप्लाई नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसकी टी जंक्शन के बारे में। टी जंक्शन में क्या है, इसमें क्या था, इन केस ऑफ टी जंक्शन हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल्स, यानी दीवार की या फुटिंग की जिस पर भी आप वर्क कर रहे हैं उस केस में हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग यानी कि फुटिंग जितनी चौड़ी है या दीवार जितनी चौड़ी है उसमें से आप हाफ पोर्शन पर जंक्शन आप माइनस करेंगे, यानी एक टी जंक्शन के लिए आप हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल विल बी डिडक्ट। यानी हम क्या करेंगे इसमें हाफ पोर्शन हम इसमें डिडक्ट करेंगे, क्यों करेंगे समझते हैं आगे देखें। इस केस में भी हमें यही सबसे पहले समझना होगा, इसकी सेंटर लाइन हम निकालते हैं तो टोटल सेंटर लाइन की अगर हम बात करें इसमें तो टोटल सेंटर लाइन अगर इसकी हम निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी देखें। हम बात करें पहले इंटरनल साइज हमारे 4x3 मीटर के 2 कमरे हैं, तो यहां पर देखें ये 4 मीटर हमारा ये वाला पोर्शन है और 4 मीटर हमारा ये वाला भी पोर्शन है और 3 मीटर हमारा कौन सा ये वाला पोर्शन है और 3 मीटर हमारा कमरे का इसका इंटरनल साइज है। तो अब देखें जरा टोटल बात करेंगे हमें कहां चलना है सेंटर टू सेंटर, क्योंकि सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करते हैं सभी दीवार्स के सभी फुटिंग्स के सेंटर टू सेंटर हम चलते हैं और टोटल ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं इस केस में यहां से लेकर यहां तक हमें
चलना है, इस सेंटर तक आना है। तो देखें जरा, चार और चार कितना हो गया 8 मीटर, यानी ये कितना हो गया हमारा 4, यानी हम यहीं पर लिख देते हैं सबसे पहले हम ये फाउंडेशन, ये हम जो दीवार की चौड़ाई उस पर हम नहीं कंसीडर करें, पहले हम इंटरनल साइज देख लेते हैं। 4 + 4 मीटर कौन कौन सा, 4 + 4 8 मीटर, तो ये हो गया। अब देखें जरा, यहाँ से हमें कैलकुलेशन कहाँ से करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी हमें कैलकुलेशन करनी है। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर है, प्लस हमारा ये वाला हिस्सा है कॉर्नर, ये वाला प्लस हमारा ये वाला कॉर्नर है, इसी तरीके से हमारा ये वाला और ये वाला पोर्शन और हमारा ये वाला पोर्शन ये वाला है। तो देखें जरा, अब हम बात करें इसके सेंटर से, इसके सेंटर तक हमें चलना है, तो यहाँ से दीवार की चौड़ाई कितनी है 30, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आधा 0.15, यानी 0.15 हमारा ये हो गया, प्लस ये वाली पूरी 4 मीटर जोड़ चुके, 4 मीटर ये भी, ये दोनों तो हम ऐड कर चुके हैं, 4 + 4 तो ऐड हो गया, 0.15 भी हो गया। अब ये वाला कितना है, पूरी दीवार हमारी इसके बीच में आ रही है, यानी कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आए 0.15 प्लस 4 मीटर प्लस 0.30, ये कितना आएगा हमारा 0.30, और प्लस 0. ये 4 मीटर हम ऐड कर चुके, प्लस 0.15 ये वाला। दोबारा ध्यान से देख लें, 0.15 प्लस 4 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस 0.15, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में हमने टोटल कितना हो गया ये 8.60 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों किया मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक दीवार ये वाली यहाँ पर है और बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो 8.60 मल्टीप्लाई 2। अब बात करते हैं इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को ये मिलेगा कि इस केस में यहाँ से यहाँ तक हमारी 30 सेंटीमीटर, 0.15 प्लस 3 मीटर, यानी 0.15 प्लस 3 मीटर प्लस 0.15, कैसे समझें, यहाँ से यहाँ तक 0.15, 30 सेंटीमीटर की दीवार तो 15 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 0.15 यहाँ पर मीटर ही हो गया। तो टोटल अगर ऐड कर दो तो हो जाएगा हमारा 3.30 मल्टीप्लाई बाई 3। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, देखें, सेंटर टू सेंटर 1, सेंटर टू सेंटर 2, सेंटर टू सेंटर 3, तीन दीवार हैं ये, तो सेंटर टू सेंटर हमने ऐड कर लिया और ये हमारी निकल के आई यहाँ से, तो ये हो जाएगी हमारी 0.2 17.20 प्लस यहाँ से हो जाएगी हमारी 9.90। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 17 और 9 26 27.10 मीटर यहाँ पर आ जाएगी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, तो यानी हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ गई 727.10 मीटर। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टी जंक्शन में अब अगर ये सेंटर लाइन हम इस मटेरियल को क्वांटिटी के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो मटेरियल की क्वांटिटी गलत आएगी। गलत इसलिए आएगी क्योंकि अभी हमें डिडक्शन भी अप्लाई करना है इसमें। हमने टोटल सेंटर लाइन, सेंटर लाइन मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि सभी दीवारों के सेंटर टू सेंटर चलकर हम सभी टोटल सेंटर लाइन उसको हम बना लेते हैं, सभी दीवारों को सेंटर टू सेंटर चलते हैं हम और उनको जोड़कर हम टोटल सेंटर लाइन बना लेते हैं। लेकिन जंक्शन पर हम कुछ ऐसा देखते हैं, चेक करते हैं कि जंक्शन पर ऐसा तो नहीं कोई दो दो बार कैलकुलेशन हो जा रही है, जैसे यहां पर चेक किया दो बार हो रही थी पर इसमें एक बार भी नहीं हो रही थी तो एडजस्ट हो गया, तो बैलेंस हो गया, बोल दिया नो डिडक्शन। अब इसमें देखें, बात हम नहीं करेंगे किसकी, एल जंक्शन की, यानी हम बात करेंगे एल जंक्शन की तो हम समझ चुके हैं, यानी हम देखें हम बात करेंगे इसमें टी जंक्शन के बारे में, समझे जरा। जंक्शन नंबर वन हमारा कौन सा है, ये एल जंक्शन। तो एल जंक्शन पर तो कोई रिडक्शन नहीं है। जंक्शन हमारा देखें, सिर्फ इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को देखें तो ये दीवार है और ये जो ये दीवार है हमारी कैसे शेप बन रही है, टी शेप बन रही है। इस टी शेप में हमें कुछ समझने की जरूरत है, देखेंगे जरा ध्यान से। देखो जब हम कैलकुलेट कर रहे थे यहां से लेकर, ध्यान देना जरा, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे यहां से लेकर यहां तक तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया था, हमने पूरा ये पोर्शन कैलकुलेट कर चुके थे, यहां से लेके यहां तक पूरा पोर्शन हम कैलकुलेट कर चुके थे, क्लियर। इसी तरीके से जब हम यहां से लेकर यहां तक हमने कैलकुलेशन की है तो हम ये भी पूरा पोर्शन कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, क्लियर यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं इस जंक्शन की, एल जंक्शन तो नो डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा, यही वाली प्रोसेस यहां पर होगी, यही वाला प्रोसेस यहां पर। तो चारों कॉर्नर पर एल जंक्शन है तो कोई रिडक्शन नहीं है, बात है इस जंक्शन की। जब हमने इसको कैलकुलेट किया है, देखो ये एक बार कैलकुलेट हो चुका,
यानी कि यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेशन एक बार हो चुकी है, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कैलकुलेशन एक बार चल गई, यहां से लेकर यहां तक पूरा कैलकुलेट हो गया। लेकिन अब इस दीवार के केस में हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर ये वाला पोर्शन सेंटर से कैलकुलेट किया था हमने, कहां पर ये वाला पोर्शन हमने कैलकुलेट किया है। तो अब आप देखें जरा कौन सा पोर्शन हमारा दो बार कैलकुलेट हो चुका है। आप देखें जरा यहां पर हमारा ब्लैक मार्कर भी सेट दे रहा है, यानी ये कैलकुलेशन हुई है, यहां पर भी कैलकुलेशन हुई है, और रेड मार्कर भी हमारा यहां पर कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है कि यहां पर। इसका मतलब ये हुआ इतना पोर्शन हमारा एक बार दो बार कैलकुलेट हो गया है और इतना पोर्शन हमारा दो बार कैलकुलेट हो गया है। यानी अगर एक टी जंक्शन की बात करें तो एक टी जंक्शन पर हमें माइनस करने की जरूरत है कितना, सिर्फ इतना पोर्शन इतना, और ये पोर्शन हमारा कितना है, हमारा पोर्शन ये होगा हाफ ऑफ, ये इसकी चौड़ाई कितनी थी 30, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई में, यानी कि जितना सेंटर से हमारा ये हिस्सा है ये हमें क्या करना होगा, डिडक्शन करना होगा। तो हमने इसीलिए लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ टी जंक्शन हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल, यानी यहां पर दीवार है कितनी चौड़ी है 30 सेंटीमीटर की, तो 30 सेंटीमीटर में से हमें इतनी चौड़ाई यानी 0.15 मीटर का ये वाला जो पोर्शन है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, हमें इसमें से घटाना होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसमें डिडक्शन करेंगे एक्चुअल सेंटर लाइन, अगर इसी की हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो टोटल सेंटर लाइन यूज करेंगे, टोटल सेंटर लाइन तो यही है, पर मटेरियल की क्वांटिटी के लिए जो सेंटर लाइन हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 227.10 माइनस 0.15 माइनस 0.15, ये कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की है, तो हमने कर दिया 0.15 और माइनस 0.15। तुमको दो बार क्यों कर रहे हो, दो बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक टी जंक्शन यहां पर है और एक टी जंक्शन हमारा यहां पर भी है, तो दो टी जंक्शन बन रहे हैं यहां पर। तो पर टी जंक्शन हम क्या करते हैं, हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग या बॉल का हम क्या करते हैं, माइनस करना पड़ता है हमें। अगर ये हमारा 90 सेंटीमीटर का होता तो 0.45 हम माइनस करते क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेट एक बार हमने कर चुके थे। तो ये था हमारा टी जंक्शन के केस में हमने माइनस कर दिया, तो डिडक्शन हमने ये बात समझा। मेरा मेन मकसद ये है इस लेक्चर में कि जो बातें यहाँ पर मैंने रिजल्ट की फॉर्म में लिख रखी है यही हमारी कंपटीशन में आती है, ये हमें समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, हमें पूरा तरह समझ में आना चाहिए आखिर हम क्यों माइनस कर रहे हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग या वॉल हम माइनस करना पड़ेगा कब, जब हमें टी जंक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके हम क्रॉस जंक्शन के केस में, अब आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। देखें यहाँ पर क्या बन रहा है, एल जंक्शन, यहां पर L जंक्शन है नो डिडक्शन, T जंक्शन है हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग या बॉल, L जंक्शन है नो डिडक्शन, T जंक्शन देखें यहां पर T जंक्शन आ रहा है तो हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल, यहां पर T जंक्शन, यहां पर L जंक्शन है नो डिडक्शन, T जंक्शन है हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल, यहां पर L जंक्शन है नो डिडक्शन, यहां पर T जंक्शन है, यहां पर T जंक्शन बन रहा है हमारा, तो दीवार का T जंक्शन तो हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल। अब बात करते हैं यहां पर एक क्रॉस जंक्शन आ गया इस तरीके का, तो जब क्रॉस जंक्शन आता है तो अब आप इसको यहीं समझ जाएंगे, जब क्रॉस जंक्शन आएगा तब हम जब इसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो इस तरीके से पूरी एक बार तो हम कैलकुलेशन कर ही चुके होंगे, क्लियर यहां तक। अब इसी तरीके से जब हम बात करेंगे इसकी, इस दीवार की जब हम बात करेंगे तब यहां पर समझ में आ जाएगा हमें, जब हम इसको बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि ये एक पोर्शन जो इतना है इसमें रेड मार्कर भी चला और यहां पर हमारा ब्लैक मार्कर भी चला। तो जब हम इसकी टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट करने के बाद हम टोटल सेंटर लाइन निकाल लेंगे, लेकिन जब मेटल की क्वांटिटी निकालने के लिए हम सेंटर लाइन यूज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस जंक्शन के लिए हम फुल विड्थ ऑफ फुटिंग या फुल विड्थ ऑफ वॉल, जिस पर भी हम वर्क कर रहे हैं चाहे वॉल पर या फुटिंग पर, वो हमें डिडक्ट करना होगा। तो इन केस ऑफ क्रॉस जंक्शन फुल विड्थ ऑफ फुटिंग और वॉल विल बी डिडक्टेड, यानी हमें क्या करना होगा, पूरी विड्थ हमारी फुटिंग की क्या करना होगा, माइनस करना होगा इस क्रॉस जंक्शन के केस में। तो ये तीन जंक्शन थे, हमने तीनों जंक्शन यहाँ पर पढ़े और हमने समझा कि हमें किस तरीके से डिडक्शन अप्लाई करना चाहिए। आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इनकी, लेकिन हमें ये आगे लिखी हुई है इसमें कि सेंटर लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है, क्विक मेथड है, बट इट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
हैं, इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। एंड कंसीडरेशन एंड जंक्शन, यानी जंक्शन पर हमें डिडक्शन कंसीडर करना होता है। तो ये थी हमारी आज क्लास। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो सिविल से रिलेटेड हो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।